ये झोजिला टनल थी, ये इसका मंजूरी आपके सरकार ने दी थी। बाद में इसके बाद चार बार टेंडर हुआ, एक बार टेंडर आया तो एक ही टेंडर आया, रिजेक्ट किया गया। दूसरे बार टेंडर आया तो आईएलएफएस को मिला, वो आईएलएफएस की हालत खराब होगी तो टेंडर टर्मिनेट हो गया। तीसरे बार टेंडर आया उसमें भी अड़चन आई क्योंकि 12,000 करोड़ कॉस्ट बढ़ गई, फिर कैबिनेट में जाना पड़ा। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है। और मैं केवल, ये मेरा श्रेय नहीं है, मेरे हमारे अधिकारियों का है और दिल्ली में एक एसोसिएशन करके एक संगठन संस्था है जो उद्योग और व्यवसाय में काम करती है, उनको मैंने कहा कि आप इसके ऊपर एक दिन का वर्कशॉप लीजिए। और नॉर्वे से लेकर दुनिया के सब लोगों को बुलाया और टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में, ना मैं चार्टर अकाउंटेंट हूँ ना मैं इंजीनियर हूँ, पर मुझे वर्ली बांद्रा सीलिंग मुंबई में बना, एक्सप्रेस हाईवे बना, थोड़ा अनुभव था। तो मैंने कहा यह टनल की कॉस्ट एग्जैगरेटेड है, इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन बदले। और उसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्टर को इनकरेज किया गया। 12,000 करोड़ की एस्टिमेट कॉस्ट थी और आज मुझे बताते हुए एक खुशी हो रही है, हमारे यहाँ तो अभी तो मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। और इस सदन को विश्वास के साथ नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ, यहाँ तो थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो तुरंत आपको पता चल जाता है। आपको 50 लाख करोड़ में एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं मिलेगा कि उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट मंजूर करने के लिए कभी मंत्री को मिलना पड़ा, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा। आपको कोई ध्यान में आएगा तो मुझे बता दें। ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही, इस देश के इस टेंडर में जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट जीता, 5 लोगों ने टेंडर भरे, कॉम्पिटिशन हुई और हैदराबाद की एक मेधा इंजीनियरिंग करके कंपनी है, उन्होंने काम लिया। और फारूक साहब, इस एक ही काम में हमारी सरकार ने एस्टिमेट कॉस्ट से 5,000 करोड़ रुपए की बचत की और ये करके दी 5,000। तो मैं आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहूँगा कि आज हमने गंगा पर कितने पुल बना रहे, जितने मांगते उतने बना गए। यानी स्वाधीनता के बाद जब तक हमारी सरकार नहीं आई उतने ब्रिज गंगा पर थे, उतने हमारे 7 साल में, ललन सिंह जी बैठे जो बोलते हैं वो मंजूर करा के हमने सब मंजूर कर दिए। ब्रह्मपुत्रा के ऊपर भी अभी तक, ये बहुत ब्रह्मपुत्रा तो सागरी है और उसमें भी आपके यहां जितने मांगे उतने, जिसका आपने कल माजोली का उल्लेख किया, मेरे से गलती हो गई, मैं सोनवाल जी के प्रचार में आया था माजोली और वो सोनवाल जी मुख्यमंत्री थे और मुझे हाथ दबा दबा कर हेलीकॉप्टर पर आप एक ही करो, आप बोल दो। तो मैंने बोला अरे मुझे कुछ मालूम नहीं कॉस्ट कितनी है क्या है, तुम मुझे कर रहे हो जबरदस्ती। बोले आप बोल दो, मैं चुनाव जीतूंगा नहीं तो मैं हार जाऊंगा, ये लोग नाराज हैं। उसने मुझे इमोशनल, अब ब्लैकमेलिंग शब्द बराबर नहीं है पर इमोशनल हाथ दबा कर थोड़ा सा ऐसा डरा दिया कि मैं पब्लिक मीटिंग में गया और मैंने कहा कि माजोली का पुल हम बना देंगे। जैसे मैं आया दिल्ली तो मेरे अधिकारी ने बताया कि सर आपको पता ही है ब्रिज कितने कीमत का है, बोला कितना, बोले 6,000 करोड़ का। तो मेरा एकदम डाउन हो गया। मैं बोला 6,000 करोड़ एक ही ब्रिज के लिए कैसे देना। और आपको बता दो अध्यक्ष महाराज, ये कितना अच्छा काम हुआ, हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई। वैसे भी स्टील और सीमेंट का 40% हम कंज्यूम करते हैं और मार्केट में भाव बढ़ाते जा रहे हैं। मेरा तो बात चल जाए तो मैं स्टील और सीमेंट का उपयोग ही खत्म कर दूंगा रोड से, ताकि ये घूमते रहे। क्यों हमने क्या किया कि ये जो ऑस्ट्रेलिया अपना सिंगापुर में और मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी आई, ये जो दो बीम दिख रहे हैं आपको, इसके इसमें मेट्रो में सब जगह पर डिस्टेंस होता है 30 मीटर। और अभी हमने ये तय किया कि वहां जो टेक्नोलॉजी आई है, ये दो पियर के बीच का डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है, क्योंकि ऊपर का जो बीम डालते हैं उसका कास्टिंग स्टील फाइबर में होता है। और अध्यक्ष महाराज, हमने वो मैंडेटरी किया और टेक्नोलॉजी नहीं लाई, वर्ल्ड की जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो लाने की कोशिश करे वो हमने स्वीकार की। और फिर ये माजोली आइलैंड का टेंडर निकाला और आपको बताते मुझे खुशी हो रही है कि 6,000 करोड़ का ब्रिज हमने 680 करोड़ में यूपी ब्रिज कारपोरेशन को दिया और यूपी ब्रिज कारपोरेशन अभी वहां काम कर रही है। स्टे अहेड विद आवर कटिंग एज न्यूज ऐप, इंस्टेंटली एक्सेस द लेटेस्ट शॉर्ट्स इन जस्ट 1 मिनट एंड ब्रेकिंग न्यूज इन जस्ट 50 वर्ड्स। डाउनलोड नाउ फॉर अ स्मार्टर फास्टर न्यूज एक्सपीरियंस।